अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड गरम मसाला। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उस वीडियो में मेरी आवाज़ का इशू था, तो इसलिए मैंने इसको अपडेट कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके लिए जो है बहुत इजी है ये होममेड गरम मसाला, और बहुत से खानों में ये जो है इस्तेमाल होता है। चलिए हम देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो है हमें इसके लिए लौंग चाहिए होगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है। और 10 से 12 जो है इलायची ली है, छोटी इलायची ग्रीन वाली। जावित्री चाहिए होगी, इस तरह से 3 आप पीस ले लें उसके। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, ज़्यादा मत लीजिएगा। 1.5 टीस्पून के करीब कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। ज़ीरा चाहिए 3 टेबलस्पून के करीब, और धनिया हम लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब। और ये बादियान के फूल हैं, ये 3 से 4 अदद ले लें आप। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी, तकरीबन 4 से 5 अदद। और दालचीनी है, इसके 2 टुकड़े ले लें आप 1-1 इंच के। और ये जायफल है, ये तकरीबन 1.5 है, इसको मैंने तोड़ लिया था ताकि हमें ग्राइंड करने में इसको आसानी हो। और एक आप एयरटाइट जार ले लें, जिसमें आप जो है गरम मसाला अच्छे से पीस कर तो रख लें, ताकि उसकी खुशबू भी रहे सही और वो खुद मसाला ख़राब भी ना हो हमारा। सबसे पहले जो हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़ीरा साबुत धनिया, बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। उससे होगा कि मसाला हमारा जल जाएगा और डार्क कलर का हो जाएगा, जो कि फिर बाद में हम जिन भी खाने में यूज़ करेंगे तो हमारा खाने का कलर भी वो जो है ख़राब करेगा। तो आपने बिल्कुल लाइट सी, बिल्कुल लो फ्लेम, दम वाले फ्लेम पर जो है इसको ड्राई रोस्ट करना है। सारी आप इस तरह से लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, कुटी हुई काली मिर्च और बादियान के फूल, अब आपने इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको रोस्ट कर लेना है। हल्का सा इसका कलर आ जाए, इसमें से खुशबू आने लग जाएगी जब आप इसको करेंगे रोस्ट, तो इट्स मीन के ये हो जाएगा, जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर लाइट सा जो है ब्राउनिश हो जाएगा। डार्क हमने अगेन इसको बिल्कुल आपने डार्क नहीं करना, क्योंकि फिर आपका जो मसाला है वो डार्क कलर का बनेगा, जो कि आपके सालन का कलर, जो भी ग्रेवी हो कुछ भी आप यूज़ करें तो उसका कलर ख़राब। ये देखें फ्रेंड्स, इतना बिल्कुल ठीक है इसका कलर, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, ये देख लें आप। ये अब रेडी, अब आप इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें, देन हम इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। ये फ्रेंड्स रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अब हमने जो है इसको बिल्कुल ग्राइंडर में डालकर तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, और बिल्कुल जो है पाउडर फॉर्म में हमने इसको कर लेना है, वो भी आपको मैं ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स हो गया ग्राइंड, अब जो है इसको मैंने ये एयरटाइट जार में डाल देना है, ये देखिए वो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया। आप इसको किसी भी ग्रेवी में, सब्जी में, भुनाई में, कोई भी गोश्त हो, चिकन हो, उसकी भुनाई में बहुत अच्छा रहता है ये इस्तेमाल करें। इसमें सारी स्पाइसेस हमने रोस्ट करके डाली हुई हैं, तो ये स्मेल को ख़त्म करता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।